श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय इन बात हो कादर श्री कृष्ण का की जय अक्षराति धाम धनी के प्रेम की बात चल रही है तो ईश्क देखावे चढ़ता सबकलाओं सुखदाए तो अक्षराति धाम धनी का प्रेम है परम धाम में सर्वत्र छाया हुआ होता है तो ब्रह्मात्माओं में भी वही प्रेम है वहाँ के सब सामग्रियों में भी वही प्रेम है पशु पक्षियों में सब में वही प्रेम है तो तो प्रेम वो निरंतर चढ़ता हुआ तो दिखाते हैं सब कलाओं में सुखदाय सब कलाओं में वो सुखदायी होता है और प्रेम नित्य चढ़ता हुआ दिखाई देता है घट बड़ा अरस में है नहीं वैसे तो घटना बढ़ना परमधाम में होता नहीं है किंतु पर इसके दे तो प्रेम के द्वारा प्रेम के कारण ही ये दिखता है बढ़ता हुआ दिखाई देता है कहना सुनना देखना अरस चीज जना इश्क बिना कहना सुनना देखना परम धाम में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है बोलते हैं तो भी प्रेम टपकता है देखते हैं सुनते हैं सब में प्रेम ही प्रेम टपकता है जो कछ सुख अखंड सो सुष्क पूर्ण तो परमधाम की कोई भी अखंड सुख है वो सब प्रेम से ही परिपूर्ण हैं जो कोई आरस जीवी में पशु या जानवर परमधाम में ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त जो भी पशु पक्षी जो भी हो तो वो सब कैसे हैं स्वस्वरूप सारे इसके के वो भी प्रेम के ही स्वरूप हैं एक न इसके बगर प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं जो भी परमधाम के सामग्री है सब प्रेम की ही है अक्षराती धाम धनी का प्रेम सर्वत्र इस प्रकार व्याप्त है अब उदाहरण दे रहे हैं दुनी पंखी बिछवा ना सहे वह आगे ही उड़े अरवा दुनिया में एक छोटा सा पक्षी होता है वो भी दूसरे पक्षी उसके परस्पर वो उनका प्रेम है तो एक मरता हो तो तो उसका वियोग सहन नहीं करता कर पाता दूसरा वो दूसरा भी मर जाता है जैसे रामायण लिखा गया तो बाल्मीकि जी देख रहे थे कि तालाब में क्रौंच पक्षी दोनों दोनों प्रेमालाप में थे तो एक व्याधा ने आकर के तो एक को मार दिया तो दूसरे ने उसको देख करके तो उसको मरते हुए देख करके उससे मरने से पहले उसने अपने प्राण छोड़ दिए तो उनको लगा कि तो ये इसने फिर उनको लगा कि ये व्याधा कितना निर्दयी है तो उसमें उनसे अंदर की उनकी करुणा है वो शब्दों के रूप में बाहर निकले तो वो पहले काव्य बना तो ऐसा माना जाता है यत क्रंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहित तो महानिषाद प्रतिष्ठा ताम अगम शाश्वती समा ऐसा करके ये श्लोक का प्रथम श्लोक की प्रथम पंक्ति है और वो पहले बोली थी वो दूसरी पंक्ति है तो उस प्रकार की बात ये कहते हैं कि यहाँ पर पक्षी भी एक दूसरे का वियोग शान नहीं कर सकते वो दूसरे के वियोग की पीड़ा तो शान ही नहीं कर पाते हैं वो उससे पहले ही मर जाना चाहते हैं गिरता है आकाश से होता है पुरजा पुरजा तो वो आकाश में उड़ रहे हों तो भी वो गिर गिर करके तो वो टुकड़े टुकड़े उन शरीर उनका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है ये पंखी प्रीत दुनिया की होशी अर कैसे जानवर ये दुनिया के पक्षियों का ये प्रीत है तो परमधाम में कैसा प्रीत होगा परमधाम के पक्षियों में पशुओं में ये नेमू ना इतना बने और बताइए क्यों कर जब उसका उदाहरण ही दुनिया में नहीं बन सकता है तो बताएं कैसे पूरा असल जीमी बराबर और उज्ज्वल जो त प्रकाश परम धाम की पूरी भूमि है वो प्रकाश प्रकाश से परिपूर्ण है वो प्रकाश प्रेम का ही है ये कहना चाह रहे हैं कहो कम ज्यादा न देखिए और जो तरी अवकाश तो प्रकाश कहीं भी कम हो कहीं ज्यादा हो ऐसा लगता नहीं सर्वत्र प्रकाश छाया हुआ है तो वो प्रकाश प्रेम का ही है तो प्रेम ही तो छाया हुआ है ये कहना चाह रहे हैं पशु पंखी सब में पूरन दिल चाया पूरन बन तो पशु पक्षी भी पशु पक्षी में भी वही प्रेम परिपूर्ण है और वो जैसे चाहते हैं अक्षरात धामधनी उसी प्रकार से वन उपवन वगैरह हैं तो उनमें भी वो प्रेम ही छाया हुआ है इन में पशु पंखियों जिकर करे रोशन न तो परमधाम की भूमि के पशु पक्षी हैं वो सब हमेशा जिक्र करते हैं जिक्र मतलब स्मरण करते हैं तो अक्षराते धाम धनी के प्रेम का ही स्मरण करते हैं हाँ जिक्र करे रोशन तो वो वो प्रकाश का जिक्र करते हैं मतलब वो प्रेम का प्रकाश हाँ और आशिक दत्त के इनों बड़ी पहचान है तो परमधाम के जो वाहिद का मतलब अद्वैत भूमिका परमधाम के इस प्रकार के जो भी आशिक है केवल ब्रह्मात्मा ही आशिक नहीं सारे ही आशिक है अक्षरात दामदनी के इन बड़ी पहचान इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि एक खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे बान तो ये सब अक्षरात दामदनी के खिलौने ही है तो उनको रिझाने के लिए है वो सब अक्षराते धामधनी जैसा चाहते हैं हिसाब से उनको प्रकट करते हैं और वो धाम का ही गुणानुवाद करके उनको रह जाते रहते हैं तो ये खूब खुशहाली खूब खिलौने इसलिए ये कहे हैं मुख मीठी सुनावे वाना अपने वाणी से अपने मुँह से मीठी वाणी सुनाते हैं खूब ही खुशहाली पूर्ण ऐसी ये पूरी खूब ही खुशहाली है मतलब ये प्रसन्नता प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं सुंदर शोभा चित्रामन तो इनकी शोभा बड़ी सुंदर है चित्रामन का मतलब चित्र विचित्र उनके जैसे पशुओं के रोम वगैरह बाल वगैरह हैं तो वो अलग अलग रंग के मिलेंगे पक्षियों के पंख वगैरह हैं वो अलग अलग रंग के मिलेंगे नयन श्रवण या चोच मुख गान करे निष्ठ वो नयन हो नयन से हो श्रवण से हो चोच हो चोच तो सब में विचित्रता है और वो निश्च अक्षराते अक्षरात धामदनी के प्रेम का ही गायन करते हैं इश्क इनों के क्यों कौन जो हक के पिलायल इनमें कितना प्रेम है वो क्या बोले तो अक्षराते धामदनी नहीं तो उनको प्रेम पिलाया है तो वो कम तो पिलाएंगे नहीं कोई कहे न सके इनो बड़ाई ए अर्श अजीम असल इनकी महिमा का गायन कोई कर ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो असली परम धाम के जब परम धाम के पशु पक्षियों का ही ये हाल है उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता तो ब्रह्मात्माओं का कैसे हो सकेगा फिर श्री श्यामा जी एवं अक्षराती धामदनी का कैसे हो सकेगा उस तरह से समझ लेना चाहिए सब गुण इनों में पूर्ण नरम खूबी खुशबो है इनमें सारे गुण भरे हुए हैं तो इनमें नरम का मतलब विनम्रता है और इन इनकी वाणी में ऐसी विशेषता है और इनके शरीर में भी उनसे भी सुगंधी निकलती है वाणी ज्योत चित्रामन ए सोए मुख वाणी से अथवा अपने मीठी मीठी वाणी बोल करके अथवा वो अलग अलग प्रकार के उनके शरीर के रंग हैं तो उनसे अलग अलग प्रकार की कलाएं प्रस्तुत करके तो वो सब धाम धामधनी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं हाल चाल सब इश्क की खान पान सब साज तो इनके हाल चाल सब प्रेम से परिपूर्ण है। कुछ भी करते हैं खान पान सब साज तो सब में प्रेम का ही वो उनका खान पान क्या है दूसरी वस्तु तो खाते हों दूसरी सामग्री ऐसा नहीं वो प्रेम का आस्वादन करते हैं उसी में तृप्त रहते हैं शोभा श्रृंगार सब इश्क के अरस इश्क को राज तो उनकी शोभा और शनगार ये सब प्रेम का ही तो है क्योंकि परम धाम में प्रेम का ही साम्राज्य है सब कुछ वो प्रेम के हैं और वो वो स्वयं भी प्रेम के ही स्वरूप है शोभा क्यों कहो हक सुरत की जाको नाम नूर जमाला अक्षराती धामधनी के स्वरूप की शोभा की क्या बात करें वो तो उनका नाम ही नूर जमाल है वो प्रकाश का प्रेम का प्रकाश है और तो उसका तो उसके सौंदर्य के वो पुंज है ए दिला इस कहावत या को सहर बदले हाल अक्षरा धामधनी का स्मरण करते हैं उनको दिल में बैठाते हैं तो फिर प्रेम प्रकट होने लग जाएगा या को सहूरय बदले हाल इनका स्मरण करने मात्र से भी हाल बदलता है इसलिए कहते हैं, अक्षराते धाम धने का स्मरण कोई भी करता हो दिल में बैठाता हो तो फिर उसका हाल चाल सब कुछ बदल जाता है सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा हा का सूरत अति सोहनी अति सुंदर शोभा कमाल अक्षराते धाम धने का स्वरूप है वो सोहनी सुहावना मनोहर बड़ा सुंदर है अति सुंदर शोभा कमाल उनकी बड़ी सुंदर शोभा है ये कमाल की है ऐसी कोई उदाहरण देने वाली दे ही नहीं सकते ऐसी है बैठे हका इश्क छाया मैंने दूजे इश्क लगे दिल झाल ब्रमात्माएँ अथवा परम धाम के तो सभी सामग्रियाँ पशु पक्षी वगैरह सब ये इसी प्रेम की छाया में अक्षराते धाम धनी की प्रेम की छाया में रहते हैं दूजे इसका लगे दिल झाल तो दूसरों को तो ये प्रेम है तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है एक तो ये भाव इसका निकलेगा दूसरा ये है तो एक और से तो ये प्रेम कैसा है शीतल छाया प्रदान करता है दूसरा यदि इसका वियोग हो जाए तो तो दिल में आग प्रकट होने लग जाती है वियोग की और कछुए दिल है नहीं बिना हक वाहिदत्त ब्रह्मात्माओं के दिल में तो अक्षराते धामदनी को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं और जरा कित कहूँ नहीं ही वाहिदत्त इश्क निश्वत तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में अद्वैत भूमिका का प्रेम है अक्षराते धामदनी है उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उनके साथ संबंध है बस वही उनको स्मरण में रहता है रहे रहे आग इश्क की अब ये प्रेम कैसा है तो शीतलता भी प्रदान करता है और तो वो आग भी जला देता है जब प्रेम का अनुभव कम होता है तो फिर बेरह की आग जलने लगती है तो जित रहे आग इश्क की जहाँ प्रेम की आग जलने लग जाती हो तो देह स्वप्न रहे क्यों करा तो वहाँ स्वप्न का देह टिक करके कैसे रह सकता है परमात्माओं को के हृदय में तो जब राज्य का विस्मरण हो जाता है तो बड़ा विराह होता है तो वो उसमें लगता है कि शरीर में आग लग लग जाए इतनी बड़ी पीड़ा होती है बिना मोमिन दुनी ना छूट ही दुनी ज्यों बिना जलचर तो ये दुनिया छुटेगी भी वो ब्रह्मात्माओं से छुटेगी तो उनको दुनिया के प्रति मोह नहीं रहता है बाकी तो जैसे जल चर जल के बिना जी नहीं सकते तो दुनिया के लोग तो ये मोह के बिना वो जी नहीं सकते उनको तो प्रेम का कुछ ख्याल ही नहीं है तो ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में और दुनिया घर कुफर अंतर यही है कि ब्रह्मात्माओं का घर प्रेम का है परमधाम है और प्रेम से परिपूर्ण है और दुनिया का दुनिया के लोगों ने अपना घर दुनिया को माया मोह को मान लिया है तो ये कुफ्र ब्रह्म है तो मोह में न जले न आग इश्क के दुनी जाए जलवर तो ब्रह्मात्माएं तो क्या है प्रेम के आग में भी एकदम जल नहीं जाती है तो उनको लगता है कि वैसे जल रहे हैं ऐसी पीड़ा होती है और फिर तुरंत जैसे अक्षराते धाम देने का स्वरूप ख्याल में आता है तो समुसहारी पीड़ा कहाँ से कहाँ चली जाती है तो वो तो अनुभव करवाने के लिए तो मिलन का अनुभव करवाने के लिए भी रहा होता है दुनिया के लोग होंगे तो दुनिया जाए जलवारा, वो तो जल बल करके राख हो जाए तो ब्रह्मात्मा ही टिकी रहती है आग इसके जले नामोमिन इश्क के आग में ब्रह्मात्मा जलती नहीं है आशिक है क्योंकि तो ब्रह्मात्माओं का घर ही तो प्रेम है तो प्रेम कम होता हुआ दिखाई देता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है तो मन वो आग जल रही हो ऐसा लगता है तो फिर जैसे ही वो प्रेम का अनुभव होता है तो फिर तो सारी पीड़ा शांत होती है तो इतना आनंद आता है उस समय वो सारी पीड़ा कहाँ के कहाँ चली जाती है एक नया प्रकार का आनंद आता है इसलिए कहते हैं एता इश्क तेरे विरह में तो कौन एक एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख से विहार तो आपके मिलन में कैसा सुख होगा विरह में भी इतना सुख है तो वो बात कर रहे हैं उस प्रकार की इनों लगे जुदागे आग जो रुए भागे देख कुफर इन ब्रह्मात्माओं को धाम धनी का वियोग है आग की तरह से लगता है रूएँ भागे देख कुफर है वो तो दुनिया के भ्रम को कुफर को देख करके इससे दूर रहती है रूएँ आई आरषाजी में से दई नुकते इल्म जगाए तो ब्रह्मात्माएँ ऐसे दिव्य परमधाम से जो प्रेम से परिपूर्ण है उससे दुनिया देखने के लिए आई है दुनिया को देख करके भूल गई इसलिए दई नुक्ते इल्म जगाए नुक्ता इल्म तो परमधाम का एक छोटा सा अंश ज्ञान का तारतम ज्ञान तो उसने इनको जागृत कर दिया बहुत छोटे से अंश नहीं और उमेदा सब छोड़ के हक अपने लियाँ लगाए तो उनकी उनको और उमेदा सब छोड़ाए के उनको दुनिया की कोई उम्मीद रहने नहीं दी तो जैसे ही जागृत कर दिया तो दुनिया का मोह उनसे छुटी गया है इसलिए अक्षराती धाम ने ने उन, उनको अपने आप में ही लगा लिया अपने में ही अपने साथ जोड़ लिया वस्त्र आभूषण सब इश्क के इश्क से से निगार इसलिए ब्रह्मात्माओं का वस्त्र आभूषण सेज्य सब कुछ वो प्रेम का ही होता है हक इश्क हक खिलवत रुए हादी हक भरतार तो ब्रह्मात्माओं को मिलन का सुख होता है तो वो भी प्रेम का ही है धामधनी से मिलन का रुए हादि का भरतार तो ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी और अक्षराते थे का मिलन है वो सब प्रेम का ही है जुगल स्वरूप जब बैठता था इसका जाने दिल की सब जब अक्षराते धामधनी मूल मिलाव में विराजमान होते हैं तो ब्रह्मात्माओं को वो सबके दिल के प्रेम को जानती इश्क जाने दिल की सब तो ब्रह्मात्माएं भी राज्य के अंदर के प्रेम को समझती है और राज्य भी ब्रह्मात्माएं के प्रेम को समझते हैं इसका बोलकारे जिन्हे तक को अक्षरा धामधनी किसी एक ब्रह्मात्माओं को भी ब्रह्मात्मा को भी प्रेम से कुछ बात करते हैं तो दूसरे सारे ब्रह्मात्माओं को वो सुख प्राप्त होता है उत्तर पावे दूजा दिल तब दूसरे को भी लगता है कि मुझे ही उत्तर दिया है ऐसा लगता है युगल स्वरूप इतना बैठता परमधाम में जब मूल मिलाव में युगल स्वरूप बैठते हैं तो दो दिल की पावे मोमिन तो राज्य और श्यामा जी के हृदय की बात ब्रह्मात्माएं भी समझ जाती है एक वचन मुख बोलते पावे पड़ उतर आधे सुकन के अक्षरात धामधनी तो क्या है कि ब्रह्मात्माओं ने एक बचन बोला तो आधा भी पूरा नहीं हुआ इतने में तुरंत उनके भाव समझते हैं और उत्तर दे देते हैं तो उनको ऐसे तुरंत उनको उत्तर प्राप्त होता है ईश्क बोले सुने ईश्क सब इसका ही की विषाता परमधाम धाम की सहारी सामग्री प्रेम से परिपूर्ण है बोलना चलना सब कुछ प्रेम से प्रेम ही प्रेम है जो गुज दिल मासुक की सु आशिक से जानी जाता तो अक्षराती धामधनी के हृदय में जो प्रेम का रहस्य भरा हुआ है वो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है अभी यहीं रखते हैं तो श्री कृष्ण का नई की जय सो आशिक से जानी जात

आशिक, आशिक से जाने, जाने जात सो आशिक से जाने जात